नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्लिक पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले की। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कल फैसला किया कि हिजाब पहनने पर उन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था सरकार ने, उसको अपहोल्ड किया है, यानी कि शैक्षिक संस्थानों में अब हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है और जो कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज हैं वो अपना ड्रेस कोड निकाल सकते हैं। साथ में उसी फैसले में ये भी कहा गया है कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। इसको लेकर तमाम बहस छिड़ गई है। एक तबका है छात्रों का जो कि कहता है कि उनके लिए हिजाब ज़रूरी है। कल ही ये खबर आई थी कि इस फैसले को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, जहां तक संविधान का सवाल है और संवैधानिक जो मूल्य हैं अगर उनका सवाल है, तो ये जो फैसला है ये किस तरीके से सिद्धांतों पर असर डालता है, आज इन सब के लिए बात करेंगे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट जस्टिस दीपक गुप्ता से। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ क्लिक पर। मेरा जो पहला सवाल है जस्टिस गुप्ता, कि इस जजमेंट को आप कैसे देखते हैं, एक जज होने के नाते, एक जो पूर्व जज होने के नाते, जब आपने इस जजमेंट को देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, तो क्या ख्याल आते हैं सर मन में? पहले तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जजमेंट बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ी, क्योंकि 150 पेज की जजमेंट है, पढ़ी है, सरसरी तौर पे पढ़ी है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे को लगता है जो जजमेंट के पहले फर्स्ट रीडिंग से ही ऐसा लगता है कि ठीक नहीं हुआ। मैं अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनल अगर राय बोलूं तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि हिजाब नहीं होना चाहिए। मतलब वो इसलिए कि बच्चियों को ये कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि वो हिजाब या बुर्का पहने। जहां तक की सवाल ये है कि हिजाब क्या इस्लाम का एक निजी, इट्स प्रैक्टिस ऑफ एसेंशियल टू द रिलीजन, यहां तक इसके बारे में शायद मैं कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट के साथ सहमत होऊंगा कि आज जो, जैसे क्योंकि पहले हमने जो तलाक वाली जजमेंट थी अगर उसको फॉलो करें तो ये यहां तक जजमेंट सही हो सकती है कि जी इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। उस कर्नाटका हाईकोर्ट ने कुछ और चीजें कही हैं और कुछ और आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट किया है जिनसे मैं सहमत नहीं। एक है आर्टिकल 25 इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ रिलीजन, इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर। रिलीजन की हर एक प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं। हिंदू औरतें जो शादीशुदा हैं वो बिंदी पहनती, ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुज्म नहीं। मंगलसूत्र पहनती, ये कल्चरल प्रैक्टिस है, बट दे आर सो इनग्रेन्ड इन दोज कम्युनिटीज कि अगर आप इन प्रैक्टिस को रोकोगे तो वो लोग उस एसोसिएशन, वो स्कूल या एजुकेशन बॉडी में नहीं जाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा, ये बच्चियां जो वैसे पढ़ना चाहती हैं ये कॉलेज या स्कूल छोड़ के घर में बैठेंगी। एंड विच, व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन। मेरे हिसाब से अगर एजुकेशन होगी तो अपने आप जो फीमेल्स हैं वो अपने आप ही दे विल बिकम मॉडर्न और वो सोचेंगी, अपनी चॉइस लेंगी कि उन्होंने पहनना है हिजाब, नहीं पहनना, हर एक की ये पर्सनल चॉइस है। मैंने शुरू में बोला आई डोंट सपोर्ट हिजाब, बट दैट्स माय पर्सनल, समबडी एल्स में हैव अ पर्सनल चॉइस कि जी मैं पहन नहीं चाहती हूँ। लेकिन जस्टिस गुप्ता, माफ करिएगा मैं आपको दो सेकंड के लिए यहाँ पर इंटरप्ट कर रही हूँ, जो आपने एक्सप्रेशन ऑफ चॉइस की बात की या राइट टू चॉइस की बात किया, तो कल कर्नाटका हाईकोर्ट में ये भी हियरिंग के दौरान कहा गया कि जो पिटिशनर्स थे उन्होंने राइट टू चॉइस के बारे में ठीक से लड़ा ही नहीं। उनका जो एक बेसिक एजम्पशन था, जो बेसिक प्रमाइस था, वो ये था कि हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, जिसको कोर्ट ने मना कर दिया। जो राइट टू चॉइस की बात थी, कोर्ट ने कहा कि ये पिटिशनर्स ने उसके लिए लड़ा ही नहीं है,
और अब हम लोग यहाँ पर राइट टू चॉइस की बात करते हैं, तो ये क्या ये जायज था जो कर्नाटका हाई कोर्ट का जो ये फैसला था उसको अगर उस दिशा में देखे तो क्या ये सही था? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि पिटिशनर्स ने ये नहीं लड़ा। कर्नाटका हाई कोर्ट के पास सिर्फ एक पिटिशन भी थी, देयर वाज वन मोर देन वन पिटिशन। और अगर आर्ग्यूमेंट्स को भी हम नोट करें तो उसमें पिटिशनर्स के कई काउंसिल ने आर्ग्यू किया था कि ये राइट ऑफ चॉइस भी है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। सी, हाई कोर्ट इस यहां तक सही होगा कि जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, दिस इज दीज राइट्स आर ऑल सब्जेक्ट टू अदर राइट्स। कोई भी ऐसा राइट नहीं होता जो पर वो जो सब्जेक्टिविटी है वो आर्टिकल 19 के अंदर आनी चाहिए। अब हाउ डज इट इफेक्ट पब्लिक ऑर्डर? अब कर्नाटका हाईकोर्ट कहता है ये टर्म तो बड़ा लूजली यूज हो गया कि वो जो पब्लिक ऑर्डर, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो इसको सपोर्ट किया ऑन द ग्राउंड दैट इट affects public order, one of the grounds, and the Karnataka High Court upheld. That, I think, is absolutely incorrect. Public order, ये जो बच्चियां हिजाब पहन रही हैं, इन्होंने public order कैसे disturb किया? अगर कोई गुंडे आके इनको बोले हिजाब हटाओ, तो public order वो disturb कर रहे हैं कि जो बच्चों जिन्होंने हिजाब पहना वो disturb कर रहे हैं। I think, यहाँ पे जो understanding है ना, जो कोर्ट का एंटायर जो एक रीजनिंग चल रही है, अब उन्होंने एक 1928 या 29 की यूएस जजमेंट को फॉलो किया जिसमें केनिंग एज अ पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग वाज अपहेल्ड। हम 100 साल के बाद ऐसी जजमेंट को फॉलो करेंगे जब हम आज केनिंग को ही नहीं मानते एज अ मीन्स ऑफ पनिशमेंट? कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट, एंड द हाई कोर्ट इज referring to that judgment in support of it. See, jo flawed judgment, so you feel that this is a regressive judgment? You feel it's very regressive? Definitely. A judgment should, you see, when social issues are involved, either the court should avoid going into the social issues. See, mera apna manna hai, main, even with Sabarimala, I'm not so, the review, I don't know review kaise decide hoga, par mera apna manna ye hai ki judgment wo progressive ho sakti hai. But whether it was legal or not is a question. The Sabarimala judgment may be very progressive, but a question उठता है कि court कहाँ तक जाएगा? क्या court decide करेगा कि religious practices क्या हैं या क्या नहीं हैं? Exactly. या उस religion के religious leaders decide करेंगे कि क्या practices हैं या फिर क्या practices? I don't know whether courts are, in fact, you see, somebody who studies the Quran only to decide a judgment, or maybe like the Karnataka High Court appears to have done, they've done a lot of hard work, I'm not saying that, but unhone ek author ki jo uska views of the Quran wo dekha. Ab jo Quran 60 saalon se ya 70 saal se padhte aa rahe unke views ka bhi to kuch value honi chahiye. So what I don't understand, yeah, what I don't understand is that, you know, आपको क्या पहनना है, आपको क्या अपने माथे पर लगाना है, आपको अपने गले में क्या टांगना है, ये एक पर्सनल चॉइस का मैटर है. और क्या ये चीज़ें एक्चुअली आप सोचते हैं कि ये लीगली डिसाइड हो सकती हैं? और अब ये जैसे कहा जा रहा है कि इस फैसले को चुनौती भी दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसका क्या रुख लेगा? और आप तो खुद एक जज रहे हैं, और will it really stand the scrutiny of the Supreme Court as far as the constitutional prism is concerned? I think main aapke program mein pehle bhi keh chuka hu ki Supreme Court, you cannot guess what the Supreme Court will do because it depends on what is the bench, who are the judges part of the bench. Har ek, aur isme koi honesty dishonesty ka sawal nahi hota, ye hai ki har ek ki approach kaisi. Ab ye jin judges ne decide kiya hai, inhone apne tarike se to sahi decide kiya. Yeah, मैं उनके साथ कई चीजों में सहमति नहीं रखता, बट दैट इज नॉट, दैट डज नॉट मीन कि दे डिड नॉट, दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ द लॉ. रिग्रेसिव में मैं आपसे कुछ और चीजें बोलना चाहती हूँ. देखो, यू हैव टू, एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है, एक यूनिफॉर्म इन अ स्कूल एंड द राइट्स ऑफ द पीपल, देयर फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड कॉन्शियस. अगर दोनों में बैलेंस स्ट्राइक होके आप एक
अच्छे नतीजे पे पहुंच सकते हो, तो वो बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट वॉज टोटली रॉन्ग। कर्नाटका हाईकोर्ट बिल्कुल कि जी केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, हम नहीं फॉलो, हमको उससे कुछ लेना देना। आप एक सोशल केस डिसाइड कर रहे हैं विच हैज लीगल इश्यूज बट ऑल्सो हैज सोशल इम्पैक्ट, तो आपको बड़े ध्यान से सोचना चाहिए कि आपकी जजमेंट का सोशल इम्पैक्ट क्या। अब मैं ऐसे उदाहरण देता हूं, क्या आप क्रिश्चियन लड़के या लड़की को क्रॉस पहने उनको बोलोगे कि क्रॉस नहीं पहनो और चले जाओ बाहर? क्या एक हिंदू बच्चा जो अपने जन्मदिन पे टीका लगा के आएगा कोर्ट पे, उसको बोलोगे तुम नहीं आ सकते अंदर? अब हाई कोर्ट ने एक तर्क ये दिया है कि अगर यूनिफॉर्म होगी तो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, नहीं तो देर इज अनइक्वालिटी बिटवीन टू पीपल, इनइक्वालिटी बिटवीन टू पीपल। अब सिख बच्चे हमारे साथ स्कूल में, मेरे साथ भी पढ़ते थे, मेरे बच्चों के साथ भी पढ़ते हैं, कोई इनइक्वालिटी तो नहीं होती क्योंकि उनका धर्म बोलता है मैं कि टर्बन पहनना जरूरी, पगड़ी पहनना जरूरी है, केश रखना जरूरी है। तो इसमें उसमें कभी डिवेसिवनेस तो आई नहीं, जो कोर्ट का ऐसा डर है कि डिवेसिवनेस तो तब आएगी जब हम इन चीजों को इतना बढ़ाएंगे कि एक दूसरे से लड़ाई कराएंगे कि तुम हिजाब नहीं पहनो, तुम ये नहीं पहनो। या तो हम चल जाएं फ्रांस के, जैसे फ्रांस में है कि कोई भी रिलीजियस सिंबल इन एनी वेयर इज नॉट परमिटेड। But are we heading towards that? But France is the only country in the world, and I am not in favor of that also because I feel every person has pride. We have hum bacche ho ke aap, you've also been to school, main bhi school gaya hu, college mein bhi padhe hain, ye cheeze kabhi uthi nahi, kabhi kisi ne socha nahi ki ji ladki hijab mein aayi hai ya ladka kya pehen ke aaya hai, pagdi pehen ke aaya hai, tilak laga ke aaya hai, किसी ने क्रॉस पहना हुआ है। हमें बोलते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एग्जैक्टली, एंड नाउ वी आर मूविंग द अदर वे। आई एम सॉरी बट वी आर मूविंग। जस्टिस गुप्ता, आपको लगता है कि अगर इल्के का फैसला आएगा, और अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, लेकिन इस तरीके का फैसला एक एक्सक्लूसिविस्ट माइंडसेट को ज्यादा एनकरेज करता है? अब जो कल बीजेपी के प्रवक्ता जितने भी अलग अलग प्रोग्राम्स पे बैठे हुए थे और मैं उनको सुन रही थी, तो उनका ये कहना था कि देखिए हम तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म लाने में क्या बुराई है, क्या गलत चीज़ें हैं, लेकिन एक और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ, मुस्लिम महिलाएँ आएँ मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, लेकिन जिस तरीके से जो छात्राएँ हैं कर्नाटका की, वो ये कह रही थी कि वो तो दिल कंटिन्यू टू बॉयकॉट क्लासेज इफ दे आर नॉट अलाउड द हिजाब, तो ये तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल कट जाएंगी मेन स्ट्रीम एजुकेशन से। तो आपको भी ऐसा लगता है सर? मेरे को बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप जो ऐसा होता है हर एक कम्युनिटी में, इट्स नॉट ओनली मुस्लिम रिलीजन, हर एक रिलीजन में कुछ लोग होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम होते हैं, कुछ होते हैं हु डोंट बॉदर अबाउट एनी रिचुअल और एनीथिंग। सी व्हाट वी कॉल द मॉडरेट्स और द फंडामेंटलिस्ट्स, आई एम यूजिंग दिस टर्म नॉट इन द रिग्रेसिव सेंस ऑफ सेइंग, बट देयर आर पीपल हु आर वेरी कंजर्वेटिव, आई वोंट यूज द टर्म फंडामेंटलिस्ट। मैं उनकी थिंकिंग से सहमत नहीं हूं। मेरे हिसाब से उनके बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, पर अगर हम उनको किसी को भी फोर्स करेंगे, तो फोर्स जब आप किसी को करते हो, नेचुरल रिएक्शन इज टू रेजिस्ट फोर्स, राइट? इफ यू कोक्स देम इज डिफरेंट, इफ यू ट्राई टू फोर्स देम इज डिफरेंट। अब फोर्स करने में बहुत डेंजर है, जो मेरे को बहुत डेंजर लग रहा है कि सम ऑफ दी चिल्ड्रन हु जो पढ़ लिख के दे वुड हैव बिकम लिबरल और इफ नॉट लिबरल एटलीस्ट मॉडरेट इन देयर रिलीजन, पुश टू कंजर्वेटिज्म और फंडामेंटलिज्म। तो आपको लगता है कि ज्यादा मुस्लिम महिलाएं अब हो सकता है कि मेनस्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ना पढ़कर दे विल मूव टुवर्ड्स द मदरसास, हो सकता है उनको मदरसा में तालीम लेनी पड़े? अगर अगर उनके लिए ये इशू, क्योंकि वी आर डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ इन मुस्लिम ऑल्सो कम्युनिटी, देयर विल बी मेनी who are progressive, many who are moderate. We should not alienate the moderate and the progressive also. You see, and
push them towards conservatism. This is what my feeling is, this judgment is going to do that. Because hum ab do bachchiyan hain, ek padhna chahti hai in a liberal school, par uske maa baap bolte nahi, hum nahi bhejenge, hum to tujhko madrasa mein bhejenge. I'm not, main unko action ko support nahi kar raha, par wo kiski life affect hui, us bachchi ki life affect hui. और जो कि एक हिजाब पहनने से, जिसको वो हिजाब पहनने से कोई किसी और को क्या प्रॉब्लम होती है. एंड यूनिफॉर्म अगर जैसे केंद्रीय विद्यालय में और जगह यूनिफॉर्म हिजाब, अब पंजाब में हमेशा सलवार कमीज के साथ बच्चियां ये चुन्नी पहनती और कुछ बच्चियां सिर पे भी लेती थी. अब हिजाब इज अ लिटिल मोर देन दैट. इससे मेरे को तो डर लगता है, सच्ची डर लगता है कि हम किधर की तरफ, किस तरफ जा. 18% पॉपुलेशन, वी कांट विश देम अवे. But Justice Gupta, what I'm surprised is that a huge chunk of Muslim women, I was doing one program yesterday, usme ek hamare saath ek mahila aayi thi aur unhone kaha ki ye to ek modern aur ek progressive judgment hai. Aur wo kyunki khud Muslim thi to unhone kaha ki dekhiye main to hijab nahi pehnti hu na burqa pehnti hu aur judgment mein ye baat likhi hai that if you don't wear a hijab you are not sinning. To ye to ek achha line hai, unhone kaha ki ye to ek progressive step hai. तो इस चीज को कैसे देखेंगे? There is a huge division in the way people are looking at the judgment. No, I agree, and I'm not saying that the entire judgment. You see, as I said in the beginning also, मैंने आपको बोला कि मैं कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट से सहमत हूँ जहाँ तक वो बोलती है कि it is not an essential part of Islam. I personally am against the hijab. But ये social change cannot be brought about by court orders and by orders of the executive. This social change must be brought about by bringing change in the thinking of this society we want to change. And that change can be brought out only by education and not by executive fiat. लेकिन अगर ये फैसला आपके पास आता, supposing आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, अगर आपके पास ये जजमेंट आता तो पहला सेंटेंस आपका क्या होता जब आप इस कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को देखते? Would you have just struck it down? No, I would have said, my view is, because I don't want to strike out a judgment, there are very good portions of this judgment. See, I would say strike a balance. Strike a? Achha, okay. Balance. See, jo maine aapko, you have to strike a balance between uniformity in schools. See, we all strive, one of the purposes of a uniform is to bring people at an equal level, that wo sab ek kisam ka dress pehne. नहीं तो एक स्कूल में कोई बच्चा, इट इज नॉट फॉर रिलीजियस पर्सन, इट वॉज मेनली आइडिया वॉज इकोनॉमिक. यूनिफॉर्म का आइडिया इकोनॉमिक था कि कोई गरीब बच्चा है, कोई अमीर बच्चा है, रोज अगर ड्रेस नहीं होगी तो अमीर बच्चे फैंसी क्लोथ पहन के आएंगे, गरीब बच्चा कैसे वो फैंसी क्लोथ पहने. बट रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन इन अ सेकुलर सोसाइटी. बट देर आर, एज आई सेड, देर आर सिख चिल्ड्रन, देर आर इवन हिंदूज. कोई अगर सपोजिंग कोई बच्चे के फैमिली कहती है कि बोधी रखनी, कैन यू से दैट इज पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म दैट यू विल नॉट हैव अ बोधी? तो ये चीजें कहां तक एग्जेक्टिव डिसाइड करेगा. मैंने कर्नाटका, इवन कर्नाटका हाईकोर्ट ऑर्डर इज नॉट सो क्लियर, और इवन द ऑर्डर कि एवरी स्कूल विल अप्लाई दिस. Every college will apply this, or those who only are... the college which has the development, college development committees, so wo decide karenge, unka ye kehna hai. Now, if the college development committee, why can't it, you see, why they have used the word hijab specifically, right, and otherwise religious symbols? Why could they not say only religious symbols will not be allowed? I would have had no problem. Yeah, that's where you've nailed it, I think. So do you? तो सर, आपने जैसे कहा कि इसमें हिजाब शब्द का इस्तेमाल किया है, वो ये भी कह सकते थे कि हिजाब, तिलक, कुमकुम, मंगलसूत्र, ये सब तो सब चीजें डिफाइन करनी चाहिए थी उनको. या रिलीजियस सिंबल्स, ऑल रिलीजियस सिंबल्स विल नथिंग विल बी अलाउड. और आई मीन द जजमेंट अगेन, यू नो, आई हैव सम प्रॉब्लम विद जजेस हु देन गो बैक फॉर एवरीथिंग टू द वैदिक एरा टू डिसाइड केसेस.
whether we like it or not, after that we've had Mughal rule, we've had British rule. And our system of education, rightly, wrongly, I'm not saying, is an amalgamation of many. So why, I mean, they say Gurukul mein uniform jaisi cheez hoti thi. So are we going to go back to the age of the Gurukul for every education? If you want to go back to the Gurukul, I'd like to have gurus like the type you had in the Gurukul. Where do you have gurus of that? So then another thing which I want to point about are the very, that the government should look into this, ki who is behind creating this big thing about a hijab. नहीं तो ये तो चीज कल हाई कोर्ट ने भी कही है कि सम अनसीन फोर्सेस आर देयर व्हिच आर लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आइदर द कोर्ट शुड हैव नॉट सेड इट और इट शुड हैव आइडेंटिफाइड द फोर्सेस. सो डज इट इंडिकेट दैट द कोर्ट इज समवेयर ऑन द साइड्स ऑफ द गवर्नमेंट? सी द होल टेनर ऑफ द जजमेंट, दैट्स व्हाई आई एम पॉइंटिंग आउट दिस. राइट. See, the other thing which troubles me about the judgment is everywhere they're comparing fundamental duties, which are a part of the directive principles of the Constitution, with the fundamental rights at various places in the judgment. And their fundamental rights are not subject to fundamental duties. If there is a right enshrined, yes, the restrictions can be there as laid down in Part 3 of the Constitution. Right. Supreme Court, I mean the High Court has there, I feel, gone a little, I mean, it's maybe the thinking of the judges is like that. They have gone a little, you know, to using progressive judgments to take a more conservative. Right. I think aapne bahut achche se isko explain kiya hai. Lekin Justice Gupta, jahan tak kaha ki jo maulik adhikaron ki baat hai, fundamental rights ki baat hai, right to choice, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जजमेंट इन चीजों का तो वायलेशन है ही, और क्या सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को अब देखेगा जो राइट टू चॉइस का हिसाब किताब है, और जो लड़कियां कह रही हैं कि हम क्या पहने, कैसे पहने हिजाब, अगर हम दुपट्टा पहन सकते हैं तो हम उसको हिजाब की तरह अपने सिर पर भी ओढ़ सकते हैं, क्या ये चीजों पर संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट? बिकॉज राइट टू चॉइस एंड राइट टू एक्सप्रेशन इज अ वेरी बिग इशू राइट नाउ. दैट इनफैक्ट उस हिसाब से आई थिंक मैं कर्नाटका हाईकोर्ट के साथ थोड़ा सा सहमत हूं कि शायद पिटिशनर ने इतना जोर इन दो चीजों पे ना लगाया हो, मेरे को पता नहीं अब इतना डिटेल में, बट दीज वर रेस्ड, इट इज नॉट दैट दे वर नॉट रेस्ड, राइट. सो दीज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, बिकॉज मेरे हिसाब से इट मे नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम. So you, does it indicate that the Karnataka High Court also selectively interpreted the petitioners also? I don't want to use the word selectively. It's not, would not use that term. But okay. I think that, you see, what happens is when you start writing a judgment, it's human nature, then you try to exclude the things which don't suit you, and you write what, I mean, that's one way of writing a judgment. I would not do that, but that's one way of writing. A lot of people, judges write judgments, then they ignore or tend to overlook the strong arguments of the other side. Because they're writing in a particular, maybe they came to the conclusion there were three judges, including a Muslim lady. Right. So it's and all three have come to a unanimous view, and I agree with two, three of the beginning things. But I think they've lost it out when it comes to between. You see, they made reference. Unhone reference diya hai Sabarimala judgment ka, without making reference to the fact that now that judgment has been referred to a 7-judge bench. Yeah. That was, they should have been very, very aware about that. And Sabarimala judgment was a judgment, as argued by one of the lawyers there, a progressive judgment to help them. See, here you say women shouldn't wear the hijab. Main uske saath sehmat hoon ki normally, I would also be against hijab. But if it comes choice between hijab or education of women, then I would prefer education of women. Absolutely. Over banning the hijab. Educate करोगे हिजाब अपने आप चले जाएगा. बिल्कुल. आपके पास जो लेडी मुस्लिम लेडी आई होंगी कल आपके पैनल में, she must be an educated woman. She must be belonging. She was. She must be belonging to a family which would be educated over 2, 3, 4 generations. ये चीजें सब हिजाब वगैरह सब खत्म हो जाएगा अगर आप उनको educate करो.
बिल्कुल बिल्कुल एजुकेट करोगे सेकुलर इंस्टीट्यूशन। सर बस लास्ट के दो सवाल आपसे बस पूछना चाह रही हूँ कि कल के फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की बात भी कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की बात एक तरफ फैसला करता है, दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, उन चीज़ों को एक तरीके से साइडलाइन कर देता है। तो ये कोई ना कोई विरोधाभास जैसा आपको नहीं लगता फैसले में? मेरे हिसाब से भी सोल जो कॉन्स्टिट्यूशन का सारांश है ना, वो हमारे प्रियम्बल में, एंड व्हाट डज द प्रियम्बल प्रोवाइड, दैट एवरी सिटीजन शुड हैव जस्टिस, सोशल, व्हाट इज द साइट ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस फर्स्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कम लेटर, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यस, नंबर टू लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, राइट, नंबर थ्री इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट गोइंग टू दिस, एंड प्रमोट अमंग्स देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। दिस इज यू नो आई हैव इट एज ऑन माय टेबल, आई हैव इट एवर सिंस आई बिकेम अ जज, बिकॉज एनी डिसीजन व्हिच आई टेक आई फर्स्ट रीड द प्रीएम्बल, इज माय डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद प्रीएम्बल। और जो ये लाइंस आपने प्रीएम्बल की पढ़े हैं, ये फैसला उनको पूरा नहीं करता हुआ दिखता? ये फैसला डज नॉट फुलफिल व्हाट आवर फाउंडिंग फादर्स थॉट वी विल यू नो शुड बी द सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक यू नेल्ड द एंटायर जजमेंट अपने इस लास्ट लाइन से। बस एक चलते चलते एक सवाल करूंगी कि अब ये फैसला क्या अब और ज्यादा सामाजिक अराजकता को फैलाएगा? इज इट रियली गोइंग टू लीड टू मोर सोशल अनरेस्ट? I hope not, but I fear so. Because अगर और states में इस judgment को देखते हुए ऐसे ही you know laws promulgate हुए, it could create problems. But I do hope the Supreme Court will decide one way or the other as early as possible. लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों को ये बिल्कुल ये फैसला नहीं मानता है। नॉट वही मैं कहूंगा फैसले के कुछ मैं अगेन क्वालिफाई आई डोंट से द एंटायर जजमेंट इज फ्लॉड बट देयर आर सर्टेन फ्लॉज इन इट जो मैंने आपसे डिस्कस। थैंक यू सो मच जस्टिस गुप्ता फॉर कमिंग टू फॉर द इंटरव्यू। और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पॉइंट ऑफ व्यू का कैसा लगा जस्टिस दीपक गुप्ता के साथ, इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन जस्टिस गुप्ता, थैंक यू।